लेफ्टिनेंट जनरल श्री डी पी पांडे जी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह जी, आर्मी एयरफोर्स पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित, देवियों सज्जनों मित्रों तथा मीडिया के साथियों, आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं उनकी वीरता, जम्मू कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीरी आवाम को बचाने के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। 75 साल पहले आज ही के दिन, करीब 3 घंटा पहले, लगभग सुबह 8:30 बजे पहला डकोटा एयरक्राफ्ट लेफ्टिनेंट कर्नल डी आर राय की अगुवाई में श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा था, जिसे आज हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा ढाए जा रहे जुल्म, हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए जा रहे बर्बर अत्याचार से लोहा लेने के लिए और जम्मू कश्मीर की एक एक इंच भूमि की रक्षा करने की भारतीय सेना के समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अद्भुत दास्तान है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इतिहास में अब सुधार की जरूरत पड़ गई है। सच तो ये है कि कबायली के वेश में पाकिस्तानी फौज के जवान थे, जिन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना है। आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। 22 अक्टूबर को ब्लैक डे पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जुनैद मीर की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मैंने भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी और मैंने एक बात कही थी कि नई पीढ़ी की वो बताने की जरूरत है कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 99 के कारगिल आक्रमण में ही नहीं झूठ बोला, बल्कि 75 साल से झूठ बोलता चला रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मुझे याद है, कुछ पुराने दस्तावेज मैंने पढ़े हैं और आज ही के दिन 1947 में दिन के 3 बजे दिल्ली को मैसेज भेजा गया था कि बारामूला में पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचा रखी है, लोगों के घर, अस्पताल और चर्च जला दिए गए और सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हमने साक्षात अपनी आंखों से सब देखा। बारामूला की सड़कों पर उस दिन सिर्फ आतंक था, चारों तरफ बिखरी लाशें थीं। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी थोड़े बहुत जिंदा बच गए थे, उन्होंने घर द्वार छोड़कर पहाड़ों में शरण ली थी। और इसलिए सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को तोड़ना तथा पड़ोसी मुल्क और उसके मुट्ठी भर स्लीपर सेल के मुंह से नकाब उतारना आज जरूरी हो गया है। आज के दिन मैं बारामूला के बहादुर नौजवान मकबूल शेरवानी और परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ। मैं महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल राय को भी सत सत नमन करता हूँ। अगर 27 तारीख की रात को उन्हें सिर में गोली नहीं लगती तो सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया होगा। चिनार कोर के साथियों को मैं 3 नवंबर की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा जो मैंने दस्तावेजों में पढ़ी है। 700 पाकिस्तानी आतंकियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करने के उद्देश्य से 2 बजे दोपहर में आक्रमण किया था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी ने बहादुरी से सामना किया
और उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ 15 और जवानों ने शहादत दी। अभी आपने पढ़ा है, देखा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने आखिरी संदेश दिया था। द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेवीली outnumbered, वी आर अंडर devastating फायर, आई shall नॉट withdraw an inch, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड।